हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से वेलकम है द कोशिका पे। क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 9, ये साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। इसको आज हम स्टडी करेंगे और ये एक एनसीईआरटी बुक कंटेंट है। सो द मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट का मतलब होता है वो घर जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, और एडेप्टेशन का मतलब होता है कि वहाँ रहने के लिए उसने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए हैं जो परमानेंटली अब उसके साथ प्रेजेंट हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग धरती पे रहता है तो उसने क्या एडेप्टेशन किया है कि उसकी बॉडी में कुछ फैट ग्लैंड्स हैं, कुछ ऑयली स्किन जो पहले रहनी चाहिए थी एक्वाटिक में वो अब नहीं है, और वहीं आप पानी में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि फिशेस वगैरह को देखिए, तो उन्होंने कैसे एडेप्टेशन किया है। अब वो पानी में रहेंगे, ज़्यादा देर रहेंगे तो सड़ जाएंगे, तो उन्होंने उससे बचने के लिए अपने ऊपर ऑयल ग्लैंड से इतना ऑयल प्रोड्यूस कर दिया है कि वो कभी सड़ेंगे ही नहीं। ओके, सो आइए हम पढ़ते हैं। इन द सी plants and animals are surrounded by saline or salty water, मतलब समुद्र में खारा पानी होता है, saline water होता है। most of them use the air dissolved in water, और वो dissolved water जो पानी में घुला हुआ oxygen है उसको use करते हैं, जो water में dissolved air है। अब air का मतलब यहाँ oxygen से है, ठीक है, उसको use करते हैं। There is very little water available in the desert, लेकिन अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ बहुत कम पानी है, और इसीलिए वहाँ का तरीका जीने का बिल्कुल अलग होगा। वहाँ पेड़ भी कैक्टस की तरह हो जाते हैं, यानी उनके जो पत्ते हैं वह कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert, रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो उसी तरह की बनावट हर एक जानवर के और प्लांट के भी शरीर में हो जाती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, अगल बगल से सांस लेते हैं और वहीं पे रहते हैं डेजर्ट के एनिमल और प्लांट्स। लेकिन अब समुद्र की बात करते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो बहुत सारे एनिमल और प्लांट होंगे यहाँ पे। भाई सी में ऑक्टोपस मिलेगा, बड़ी बड़ी फिशेस मिलेंगी, केकड़ा मिलेगा, इस तरह के कुछ मिलेंगे, कोरल्स मिलेंगे, जबकि डेजर्ट में कैक्टस मिलेगा, ऊंट मिलेगा, बबूल के पौधे मिलेंगे, है ना। सो अब यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। और इस पिक्चर आगे एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये सी के लिए दिया हुआ है और ये डेजर्ट का दिया हुआ है, ये कैमल है और ये फिशेस है। वही कह रहा है कि यहाँ पे पिक्चर में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे डेजर्ट में कैमल है और सी में फिशेस हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन, यानी कैमल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, लंबे लंबे पाँव होते हैं, विच हेल्प देम टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। अब देखिए, ये लंबे लंबे पाँव हैं और नीचे की ज़मीन गर्म हो जाती है दिन में, तो ये गर्मी ना लग जाए इसलिए ये भगवान ने लंबे पाँव बना दिए, ताकि ये काफ़ी ऊपर तक जाएँ और ये जो ज़मीन की हीट है इनकी बॉडी पे अचानक से ना पड़ जाए। सो ये एक तरह का अडाप्टेशन है। अडाप्टेशन मतलब बॉडी ने खुद को ऐसा बना लिया कि वो जिंदा रहे उस एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन में भी। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत ही कम यूरिन को बाहर निकालते हैं बॉडी से। देयर डंग इज़ ड्राई, और उनका जो डंग यानी जिसे हम गाय का गोबर कहते हैं, वैसे उनके वेस्ट को डंग जो कहते हैं, वो काफ़ी सूखा होता है और उनको पसीना नहीं आता, तो शरीर से पानी भी नहीं निकलेगा। अब भाई क्योंकि पानी की कमी है तो पानी निकलेगा ही नहीं। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी निकालते हैं शरीर से, दे कैन लाइव मोर मैनी डेज विदाउट वाटर। और सबसे बड़ी बात कि कैमल एक बार में 50 लीटर के आसपास, लगभग 50 लीटर पानी पी सकता है, तो वो उनको काफ़ी दिनों तक बचा कर रखता है। और क्या एडाप्टेशन हो गया कैमल में, ये देखिए, कैमल के ऊँट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये दिस
इसको हम हम्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम्प। और इसमें फैट होता है, फैट डिपॉजिट होता है। तो जब कई दिन खाना नहीं मिलता है तो इसी फैट से इनको खाना मिलता रहता है और ये जिंदा रहते हैं। और इनकी बॉडी में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जब ये पानी पीते हैं तो पूरे शरीर में वो पानी इकट्ठा हो जाता है, कई दिन तक ये काम करता है। अब हम फिश की बात करते हैं। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे हैव ऑल समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप? बिल्कुल, वो एक सिलेंडर शेप में होते हैं, यानी आगे नुकीला होता है, बीच में फिर फूला होता है, और पीछे जाते जाते फिर से पतला हो जाता है और टेल बन जाती है। ओके, इस तरह के शेप को हम स्ट्रीम लाइंड शेप कहते हैं। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। स्लिपरी स्केल्स, ध्यान रखना, स्लिपरी स्केल्स यानी फिसलने वाली। इस पे ऑयल का डिपोजिशन होता है, फिसल जाती है, हाथ से पकड़ती है मछली फिसल जाती है, जिन लोगों ने पकड़ा होगा देखा होगा। सो दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, फिश को बचाने का काम करते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन द ईजी मूवमेंट इन वाटर। नाउ फिंस, जो फिश होती हैं उनके ऊपर फिंस होती हैं, अगल बगल भी होती हैं और पीछे भी, पूंछ पे भी होती हैं, उनको चलने फिरने में रास्ता बनाने में बहुत हेल्प करती हैं वो। फिंस एंड टेल्स, जो उनकी पूंछ होती है टेल्स, हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर। अब सांस कैसे लेते हैं? तो उनके पास फेफड़े नहीं होते हमारी तरह, उनके पास गाल के पास फेफड़े होते हैं, जिसको हम गिल्स कहते हैं, उसको गल फेफड़ा कहते हैं। सो गिल्स आर प्रेजेंट इन द फिश विच हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। सो वी सी दैट द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लाइव इन साइड वाटर, एंड फीचर ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक फीचर का आ जाना या कुछ हल्का सा चेंज कर लेना बॉडी प्लान में, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, नेचुरल तरीके से रह पाए, लाइव नेचुरली इन द प्लेस, इट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन करना, यानी एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल जाना। ओके, एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब कि वो कहाँ रहते हैं, रहने वाली जगह को ड्वेलिंग कहा जाता है। That is why a fish cannot live out of water. इसीलिए मछली पानी के बाहर नहीं रहती, क्योंकि उसके पास गाल में फेफड़े हैं, गिल्स हैं, और वो केवल पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का यूज़ कर सकती है, हवा वाले ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकती हैं। And a camel cannot live in the sea. और ऊँट पानी में नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि उसके पास नाक है और फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस तरह से रेस्पायर करता है ब्रीदिंग करके बाहर। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट रहने वाली जगह को कहा जाता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, इसका मतलब कि घर, अ होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। यानी हैबिटेट यानी घर एक तरह से क्या क्या प्रोवाइड करता है? खाना, पानी, हवा, रहने के लिए जगह और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो सब प्रोवाइड करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे टाइप के प्लांट और बहुत सारे टाइप के एनिमल एक ही जगह रह सकते हैं, जैसे फाफामऊ में, शांतिपुरम में, 40 दिसंबर गोमती पे, प्रयागराज में एक तरह का हैबिटेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल, ऐसे हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहे जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे का एरिया, एंड माउंटेन रीजन, जैसे हिमालय हमारे यहाँ, उत्तराखंड है, क्या बोलते हैं, बिहार में कुछ कोने हैं जो सटे हुए हैं, और हमारे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कुछ हिस्से हैं, मेघालय हो गया, इसी तरह से जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, ये सब क्या है?
ये सब लगे हुए हिमालय के बॉर्डर से, तो ये माउंटेन वाले हिस्से हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है, वो हैबिटेट जहाँ पे पानी में सब रहते हैं उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है, जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशन, ये एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बहुत विभिन्नता है, क्योंकि कहीं पे घास है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे समुद्र का किनारा है, तो कहीं पहाड़ है, तो जब अलग अलग जगह है तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब द नीचे वाली पैराग्राफ में लिखा है द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब जिंदा, लिविंग। ठीक है, तो जितने प्लांट और जितने एनिमल हैं सब लिविंग है और ये किसी न किसी हैबिटेट में ही रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट आर नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, सनलाइट और हीट दोनों ही ए बायोटिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट एंड एडप्टेशन। सो आगे भी देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।